ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है, तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूँ। आपके मुस्लिम मोहल्ले में दांडिया के कार्यक्रम आयोजित करो, मैं हिंदू बच्चे भेजने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। दो तरह का रवैया आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक तरफ अगर कोई सोशल मीडिया पर छोटी सी पोस्ट भी करता है तो उसे हुकूमत के खिलाफ या तो फिर हिंदू मजहब के खिलाफ बताकर इस पर कार्रवाई की जाती है, पर एक शख्स जो मुसलमानों के खिलाफ सुबह शाम जो चाहे बकता है, जो चाहे रिपोर्ट बनाता है, पर इसे तो खुली आजादी, खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है। वैसे भी मुस्लिम माशरे पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है, ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है, पर अब जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ तहरीक तेज चलाई जा रही है, इस पर लम्हे फिक्र भी जरूरी है, क्योंकि अब मामला मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने तक पहुंच चुका है। खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मुस्लिम माशरा भी बेगैरत और बेहिस बनता जा रहा है। खुद वालिदैन अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं, किसी तरह की संजीदगी नजर नहीं आती। खैर, मुस्लिम माशरे की कमियां खामियों पर अक्सर तबसरा किया जाता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भी जो साजिशें चली जा रही है, इन पर भी हमारी नजर नहीं है। कहने का मतलब, ना तो अपने समाज की फिक्र हमें है और ना ही गैरों की साजिशों का एहसास हमें है। एक तरफ न्यूज चैनलों के जरिए से मुस्लिम दुश्मनी और नफरत फैलाकर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, तशद्दुद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से अपने आप को सहाफी कहलाने वाले सुरेश चौहान के ने जो नफरती बोल कहे हैं, इस पर भी किसी तरह का तबसरा होते नहीं देखा जा रहा, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसे जानबूझकर हुकूमत के जेर मातहत ही काम को अंजाम दे रहा है, इस तरह से इसे खुला छोड़ दिया जाता है। सुरेश चौहान की, जिसका सुदर्शन न्यूज चैनल है, इसकी तमाम रिपोर्टें और खबरें मुसलमानों के खिलाफ होती हैं, पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई इस पर होते हुए नहीं देखा जाता, ना तो इस पर किसी तरह का मुकदमा, ना तो किसी तरह की गिरफ्तारी। जब खुले मंचों से मुस्लिम लड़कियों को भगा लाने की और इन पर इनाम देने की बात सुरेश चौहान के करता है, पर किसी को भी गैर संवैधानिक नहीं लगता और ना ही किसी को एतराज के काबिल लगता है। वही हक बात करने वाले दूसरी तरफ अगर दूसरी तस्वीर देखेंगे कि हक बात करने वाले सिद्दीक कप्पन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि हाथरस में दलित लड़की पर हुए अस्मत रेजी पर रिपोर्ट बनाने के लिए हाथरस जा रहे थे, इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया। तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा अरसा इसलिए जेल में गुजारना पड़ा क्योंकि दलित लड़की पर इज्तमाही अस्मत रेजी के बाद दौरान इलाज मौत हो गई थी, जिस पर रिपोर्ट बनाने के लिए सिद्दीक कप्पन जा रहे थे। फिरका परस्त हुकूमतें बुजदिल भी होती है क्योंकि इन्हें डर लगता है सच्चाई से, सच्चाई आवाम के सामने ना आ जाए, इसलिए सच्चाई की आवाज को दबाने की मुस्तकिल कोशिश की जाती है। और यूपी हुकूमत की तरह रियासत कर्नाटक में भी इसी तरह का नजारा देखा जाता है। वैसे भी भारत में अब मुसलमानों के खिलाफ बोलना गोया यही राष्ट्रवाद बनता जा रहा है, यानी कि अगर देशभक्ति है तो वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी बयानबाजी जारी रखे। अब तो कई कंपनियों में भी मुस्लिम नफरत के तहत नौकरियां भी ना देने की बातें सामने आ रही है। अस्पताल में महज मरीज के साथ इसलिए बदतमीजी से पेश आने की वारदात हुई क्योंकि मरीज मुसलमान थी। इत्तला के मुताबिक मुस्लिम खातून इलाज के लिए अस्पताल जाती है तो डॉक्टरों की जानिब से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बच्चे पैदा कर जिहाद करने की तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुस्लिम औरत को डॉक्टर ने जिहादी कहा, मतलब किस तरह की ज़हनियत पनप रही है, और इसे जानबूझकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है। सुरेश चौहान के मुस्लिम खवातीन पर गलत और भद्दी टिप्पणी करता रहता है, हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती है मुस्लिम लड़कियां, ऐसा भी इसे कहते हुए देखा जाता है। जो शुरुआत में हमने वीडियो दिखाया है उसमें वो ये कहते हुए देखा जाता है। मुसलमानों के स्कूल मदारिस में गलत कामों का इल्जाम भी खुले मंचों से हिंदुत्ववादी करते हुए अक्सर देखा जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। भगवा लिबास पहनकर कौन लड़कियों के साथ रंग रलिया मना रहे हैं, रोजाना कई बाबा लोग पकड़े भी जाते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में मुरुग राजेंद्र स्वामी, इसी तरह से नेगिन हार स्वामी जिन्होंने अभी खुदकुशी की, और भी कई बाबा लोगों का रोजाना पर्दाफाश होते देखा जाता है, पर इल्जाम सिर्फ मुस्लिम समाज के सर इसलिए लगाया जाता है ताकि इन्हें मुनज्जम अंदाज में बदनाम किया जाए। अब मुस्लिम लड़कियों को लेकर इनामात का ऐलान खुले मंचों से किया जा रहा है तो सभी इंतजामिया, अदालत, कोर्ट, जजेस, पुलिस अफसरान खामोश इख्तियार किए हुए। मदरसों पर इल्जाम लगाने से पहले तमाम मठों की तहकीक जरूरी हो चुकी है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की लड़कियां यहां महफूज नहीं है। इसी तरह सुदर्शन चैनल पर पाबंदी और मुकदमे दर्ज करने के इसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है, यहां तक के खुले आम हथियारों की नुमाइश करते हुए अक्सर इसकी तस्वीरें देखी जाती है। बजाय इन पर कार्रवाई के सुदर्शन चौहान के जैसे फिरका पर साफियों की हिम्मत अफजाई की जाती है। वैसे तो अब बलात्कारियों की भी गुलपोशी हिंदुत्ववादियों की जानिब से की जा रही है। हाल ही में बिल्किस बानो मामले में क्या हुआ सभी ने देखा है।
खैर आज का मौजू फिरका परस्त सहाफियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती पर है। सिद्दीक कप्पन के साथ और भी दिगर सच बोलने वालों पर कानूनी कार्रवाई तो बराबर होती रहती है, पर जिन पर हकीकत में कार्रवाई होनी चाहिए इन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है। और यह पहली बार नहीं है कि चौहान के नफरती बयान देता है। यही वो जाहिल सहाफी है जिसने यूपीएससी जिहाद नामी प्रोग्राम अपने चैनल से चलाया था। इसी तरह कोरोना जिहाद, कोरोना बम जैसे नफरती प्रोग्राम बनाकर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहा। लिहाजा एक बार मुस्लिम लड़कियों के बारे में इसने तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक तरफ लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत करने की कोशिश जारी है तो दूसरी तरफ सरकारी तौर पर मुस्लिम लड़कियों को हिंदू धर्म इख्तियार करने का ऑफर दिया जा रहा है। मुस्लिम समाज में औरतों पर ज्यादती की झूठी कहानियां बनाई जा रही है तो मठों आश्रमों में बहरहाल लड़कियों के साथ ज्यादती की हकीकत भी अब छिपी नहीं है। तमाम बुराइयों के बावजूद आखिर सवाल एक ही समाज पर उठाए जाते रहे। सिद्दीक कप्पन को 2 साल के बाद जमानत देना भी एक तरह से इंसाफ अदलिया पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वही सुदर्शन चैनल के फिरका परस्त एंकर सुरेश चौहान के को खुली छूट भी कानून न्याय व्यवस्था के दोगले रवैया को उजागर करता है। लिहाजा फिरका परस्त सुरेश चौहान के पर कार्रवाई होगी क्या, ये सवाल आवाम पूछ रही है और आवाम को इसका इंतजार भी है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है, तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूँ। बता दूं, तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुमने घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे वो बच्चे सज्जन, मानवता की बात करने वाले बनेंगे। तुमको उस बच्चे को किसी को काफिर मानकर, किसी को दुश्मन मानकर आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं होगी। और बड़ी बात क्या, तुमको किसी सौतन को करने की जरूरत नहीं रहेगी। जय श्री राम। एक पत्नी हम राम जी के आदर्श है। और 10वां और सबसे जरूरी बात कि आने वाले दिनों में वैसे भी ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तुम उसकी पहली सदस्य रहोगी। तो जो बहने आना चाहती है, मैं बहन कह रहा हूं, वो आए। अब एक बात मुझे यहाँ से और बताई गई कि अभी नवरात्र आने वाला है और दांडिया का कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित होगा। अभी मैं गुजरात में गया था तो मैं यहाँ के प्रशासन को कहता हूँ, जो हमारे देवी को नहीं मानता वो हिंदू के पेंडोल में आकर दांडिया खेल नहीं सकता। दांडिया खेलने के लिए गुजरात में हमने कैंपेन चलाया है कि दांडिया पेंडोल में आना है तो आधार कार्ड जरूरी है। और दूसरी बात, लेकिन जो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं दांडिया खेलना चाहती हैं,
हम उनको इससे वंचित रखना नहीं चाहते, इसलिए आपके मुस्लिम मोहल्ले में दांडिया के कार्यक्रम आयोजित करो, मैं हिंदू बच्चे भेजने के लिए तैयार हूँ। एक तो बिना पूछे बिना पूछे को पट्टी लगा दिए, बताइए अगर हम उसे हटाना चाहें तो क्या बोल रही है? अरे ना नाम देखे, मुसलमान नाम देखे क्या बोल रही है? अरे ना फरहत, जब इनको प्रॉब्लम है ना कि इसको इसको और एक कंसीव चाहिए, नया चाहिए और नया, बताइए 6 महीने में कौन नया चाहिए, कौन चाहेगा बताइए, कौन चाहेगा नया बच्चा, कौन चाहेगा 6 महीने में कि कंसीव हो जाए और बेबी चाहे? भगवान का रूप होता है ना, इससे बगैर। और उसके बाद जब हम बोले नहीं मैडम ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं, हमको प्रॉब्लम हो रहा, हमको दिक्कत हो रहा, तो क्या बोल रही है कि नहीं क्या बोलते हैं, नहीं आप जिहाद करने आए हैं, आप जिहादी हैं? मैडम का पूछे नाम, वो मैडम नाम नाम बताइए, तो मैडम का नाम बताइए, डॉक्टर का नाम बताइए, जो बोलिए जिहादी बोलिए, वो उनका नाम बताइए। गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्या बोली जिहादी, क्या आपके सामने बोली है बताइए, आप क्या बोला गया था? जिहादी बोला गया कि जिहाद करने के लिए आप आए हैं, अब बताइए हम लोग का, हमारा बच्चा जो है 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ है और वो बोल रहे इसका प्रॉब्लम तो यही है कि कंसीव नहीं हो रहा, बताइए फरहत जबी कहते यही प्रॉब्लम है कि कंसीव नहीं हो रहा, कौन भाई कौन चाहेगा, कौन फैमिली चाहेगा कि 6 महीना का बच्चा है, 6 महीना में कंप्लीट नहीं हुआ और नया बच्चा आए, बताइए कौन फैमिली चाहेगा? मैन तो इसको तकलीफ है, मेरी बीबी है फरहत जबी, डॉक्टर बोल जिहादी, आप जिहाद करने आए हो बोल रही, जिहाद करने आए हैं बताइए, मना कर दिया डॉक्टर, भी नहीं करी देखी भी नहीं सही, अब बोली जिहाद करने आए हैं, जिहाद बताइए कोई जिहाद करने आता है? डॉक्टर को बोलते हैं कि भगवान का रूप है ना, और हम लोग दिखाने के लिए हम लोग आए, अपना तकलीफ जो है मेरी बीवी को बहुत दिनों से तकलीफ है, सब दिखाने के लिए आए, यही पे इलाज करवाए थे। क्या नाम डॉक्टर का? डॉक्टर का तो नाम बता नहीं रहे ये लोग, डॉक्टर का नाम बता नहीं रहे, यही यही चैम्बर पे थी, अभी अभी कहाँ चली गई पता नहीं, अभी तो है नहीं, कहाँ चल गई हम तो बोल रहे नाम लेकिन बता नहीं रही ये लोग, बताइए सीधी से बोलती है मुस्लिम नाम जान करके बोल रहे कि जिहाद करने आए, आप जिहाद जिहाद करने आए आप लोग, बताइए इस तरह का बोल रहे हैं, और इसका तो मेन प्रॉब्लम है कि कंसीव नहीं हो रहा, बताइए आप बताइए जो नर्स, अगर नर्स अभी मैडम के साथ है, अब बोल देते हैं कि हमको नाम नहीं पता, नाम नाम बताइए, क्या नाम मैडम, क्या नाम था मैडम, मैडम डॉक्टर क्या नाम था? उस्ताद बनना इतना आसान काम नहीं है, आजकल जो है एक होड़ लगी हुई है कि उस्ताद सबसे आसान पेशा है, चलो इसी पर चलते, कोई भी अगर उस्ताद बनना चाहता है तो इसकी अहमियत को समझे, इसकी जिम्मेदारी को सबसे पहले, इसमें दाखिले की सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें 3 सिफात होनी जरूरी है, वो अपने आप को टटोले, उसमें लगन, अजम, इसार व कुर्बानी होनी जरूरी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, ये होना जरूरी है। जब आप इस पेशे में दाखिल होते हैं तो फर्ज की अदायगी के निस्बत से आप में 3 और सिफात का होना जरूरी, वो है डिपेंडेबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, काफी काबिले एतमाद है, बेगुना तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुना तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब तो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो
जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। मैं जिस इदारे से बिलोंग करता हूं वो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जहां पे मुझे अभी भी याद है जनवरी 2021 में इसी हॉल में बेलगाम चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था। काम कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे हुआ था, तभी भी हम बहुत सारे निजार मिनिस्टर से लेके सब टीचर्स को मिले थे। और जो चल रहा है उर्दू स्कूलों में अभी, हम कैसा प्रोफेशनल लोग जो ऑलरेडी नौकरी पेशा हैं, जो कैसा मदद कर सकते हैं वापस, तो हमने तीन पॉइंट पे काम करना सोचा है। तीन है, थ्री ईज, वन इज एजुकेशन, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज एम्पावरमेंट। आजाद हासिल किया है उन्हें दिल की अनेक गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश कर। जैसे ही आज न्यूज में देखा, मालूम हुआ कि हुकूमत की जानिब से दीगर जबानों के असातिज़ा को अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी वगैरह के असातिज़ा को जो है एजाजत दिए गए, लेकिन उर्दू वालों को सरे से खारिज किया गया। ये मैं डंके की चोक पर कहूंगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है कर्नाटक की, उनके अंदर उर्दू के लिए, उर्दू असातिज़ा के लिए एक तासुब भरा हुआ है, और ये उसी का शाखसाना है कि आप को महरूम रखा गया। लेकिन याद रखिए, आप अल्लाह की जात से महरूम नहीं है, वो आपको ऐसे आजादा हमेशा दिलाया करेगा, लेकिन शर्त यह है कि उस्ताद को अपने उस्ताद होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। तो, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देती है। तो इस शेर के साथ साथ फारूकी साहब ने ये बेहतरीन कोशिश की कि बेशक जो काबिल है उसे हम मैदान भी देंगे, वो इज्जत अफजाई भी देंगे और वो हौसला भी देंगे। तो असातिज़ा इकराम इंसानी नफ्सियात है, बच्चे से लेकर बड़े तक भी देखिए कि जब एक बच्चा छोटा सा आपकी बताई हुई बात पर अमल करता है, जब उसे आप छोटी सी शाबाशी देते हैं, वेल डन, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छे, बढ़िया, तो उसके अंदर क्या होता है, बोलिए, डेफिनेटली उसके अंदर एक जोश आता है। और जो अगला टास्क जब आप उसे देंगे तो और ही पुरजोशी के साथ, बहुत ही अच्छाई के साथ वो क्या करेगा, प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये कोशिश आज फारूकी साहब ने कर दी है। तो हमारे असातिज़ा को आपने जो हौसला, जो इज्जत दी है, इंशाल्लाह वो इस नए अज़्म और हौसले के साथ, पूरी मजबूती के साथ और मुस्बत सोच के साथ क्या करेंगे, वो उड़ान भरेंगे, बल्कि खुद नहीं पूरे कारवां के साथ अपने कौम मिल्लत के तमाम नौ नहालों को लेकर उड़ेंगे। और एक दिन जरूर इंशाल्लाह वो आएगा, आप खुद कहेंगे कि शहर बेलगाम के जो उर्दू मदारिस हैं किसी और से कम नहीं, बल्कि बहुत ही काबिले तारीफ है, इंशाल्लाह जरूर। गैर के पांव पकड़ते नहीं देखा हमने, गैर के पांव पकड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते हुए नहीं देखा हमने। वो घर जो आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते देखा नहीं हमने। मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा उल्लास उदासी को कहर होता है। मुझे गिरते हुए अंधियारों की क्या परवाह, मुझे गिरते हुए अंधियारों की परवाह क्या है, मेरी हर रात का अंजाम सहर होता है। तो देखिए, जो अपनी मदद आप करते हैं, जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि अपनी मदद आप कर, लोगों का तू मोहताज ना हो, गवर्नमेंट आज देगी कल नहीं देगी, हम अपने आप को बनाकर, हम अपने आप को साबित कदम रहेंगे तो मैं समझता हूँ दुनिया हमारे सामने झुक जाती है। सिकंदर लीडर कौन होता है, वो जो अपने आप में बनाना चाहता है, बनना चाहता है, वही काम कर सकता है। हम उस्ताद बनना चाहते हैं तो बनना ही है,
ये अगर तमन्ना आपके दिल में होती है, पढ़ाना है पढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ना है, हम आगे जाना है जाना है, ये चीज अगर आपके जहन में आ जाती है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप जहन मशीन कर लें पैसे दे तो बोले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मुबारक और सुनहरा मौका है कि मोहम्मद वली टूर्स हज व उमरा ट्रेवल्स जो बेलगाम से अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोगों का एक ग्रुप है जो उम्रे के लिए जा रहे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रहनुमाई में ये सारे लोग हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़जल है कि ये टूर वाले जो है फ़राख दिली के साथ इन हाजियों की खिदमत के लिए बिल्कुल पेश पेश रहते हैं। मैं जाने वाले तमाम हुज्जाज किराम को और न जाने वाले तमाम अहबाब से ये अपील करता हूँ कि आप ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने न दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 साल से जो है इस टूर के ताल्लुक से एक्सपीरियंस है, इसमें खिदमत भी अच्छी है, खाने पीने का नज़म अच्छा है, हरम शरीफ के बिल्कुल करीब रखा जाता है और फिर वहाँ के अरकान अदा करने के लिए एक आलिम दीन का साथ में होता है और फिर जो जो मकामात हैं उन मकामात में हाजियों की रहनुमाई के लिए वो आलिम दीन होते हैं। इस तरीके से जो पैसा जो लोग लगा करके इतना ख़र्चा करके वहाँ तक जाते हैं वो सही उसका हक अदा होता है और आमाल भी सही होते हैं और इंसान को तसल्ली भी हो जाती है और फिर अल्लाह जो है उम्रे को कबूल करता है। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये टूर है मोहम्मद वली टूर, इसका ख्याल रखें, आप इससे राबते में रहें, कांटेक्ट में रहें और इनके बहुत सारे ब्रांचेस है कोल्हापुर, सांगली, मीरा, सतारा, अल्हम्दुलिल्लाह इचलकरंजी, अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम में भी इसके ब्रांचेस शुरू हुए हैं और ये ग्रुप जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी के साथ सफ़र को वहाँ तक ले जाए और फिर आफियत के साथ जो है सारे अरकान अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मोहम्मद वली टूर्स जो है, मैं भी इस टूर से 10 साल से जा रहा हूँ और इस टूर में बहुत से अच्छे फैसिलिटीज़ है जिसमें मक्का और मदीने में हर इनके साथ जो है हमारे रहते हैं हाजी साहब भी रहते हैं और मौजूद कारी साहब रहते हैं और इस टूर को बहुत से हर चीज़ से मतलब मुकम्मल और सही तरीके से कराने की कोशिश करते हैं।